दोस्तों पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों फ्रेंच फ्राई एक ऐसी डिश है जिसे कभी भी बनाया जाए इसे देखकर खाने का मन हो ही जाता है और बच्चों में और बड़ों में एक खासी प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और दोस्तों इस दौरान आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ हमने 4 आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज से थोड़े बड़े आलू हैं। अगर आपके पास इससे बड़े आलू हो तो आप उनका इस्तेमाल कर लें। इन्हें हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। सभी आलू का छिलका उतारने के बाद उन्हें एक बार फिर से धो लें ताकि मिट्टी वगैरह ना रहे। आलूओं को धोने के बाद अब हम इनकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप इनके गोल वाले किनारे थोड़े थोड़े निकाल दें जिसे काटने में आसानी हो, शेप अच्छा आए। ज़्यादा वेस्टेज ना करें क्योंकि हम इन्हें घर में ही बना रहे हैं तो सभी चीज़ काम में ले लेंगे। और आधे इंच की मोटाई में इस तरीके से इनकी स्ट्रिप्स काट लें आप और इन्हें ठंडे पानी में हम डाल देंगे। आप इन्हें काटते जाएँ और इसमें डालते जाएँ ठंडे पानी में। सभी आलू को इसी तरह से काट लेंगे और साफ पानी से इन्हें 3 से 4 बार धो लेंगे। यानी कि पानी को भी आपको 3 से 4 बार बदलना है और धोते रहना है। यहाँ पर हमने 3 से 4 बार धोकर इन्हें अलग कर लिया है पानी से। और अब हम गैस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमने एक पतीले में 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए रखा है और इसमें हम 2 टीस्पून के लगभग नमक डाल देंगे और इसी में हम फ्राइज को भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इन्हें एक बार मिक्स कर ले और ढक दे। अब हमें सिर्फ 1 उबाल का इंतजार करना है। 4 से 5 मिनट बाद इनका 1 उबाल आ गया है क्योंकि आंच हमें तेजी रखनी है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर फिर से रख देंगे। 2 मिनट बाद हम सभी फ्राइज को निकालेंगे और साफ सूती कपड़े पर इन्हें फैला लेंगे। आप चाहें तो किसी किचन टॉवल पर फैला लें। इस तरीके से हम इन्हें फैलाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इनका पानी सूख जाए। इस तरीके से मैं आपको इसे चेक करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप इन्हें मोड़ें तो ये टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर ही ये टूटेंगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने प्रेस किया तभी ये टूटी। बस इस स्थिति में हमें इन्हें लाना होता है। अब हम तेल को गर्म करेंगे और उसमें फ्राइज को डालेंगे और इन्हें हमें हाफ कुक करना है, पूरी तरह से नहीं तलना है। बस ऊपर की लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए उतना हम इन्हें तलेंगे। तेल हमारा मीडियम हॉट था, यानी कि न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा। और इसमें हमें 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें तलना है और फिर निकाल लेना है। इनका कलर नहीं बदलना चाहिए। और अब हम इन्हें ठंडा करेंगे। ये आधा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठंडा हो जाने के बाद हम इन्हें एक ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे। अगर आपके पास ज़िपलॉक नहीं हो तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। इन सभी फ्राइज को हम इस बैग में डाल देंगे और इन्हें हमें डीप फ्रीज करना है, यानी कि फ्रीज़र में रखना है 8 से 9 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट रख दें, ये ज़्यादा आसान रहेगा। इसे बंद करके हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ओवरनाइट होने के बाद हम इन फ्राइज को एक बार देखते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से कड़क हो चुकी है, यानी कि जम चुकी है। इस तरीके से आप इन्हें 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब हम तेल को अच्छी तरह गर्म करेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे। उसमें हम इन फ्राइज को डालेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक तलेंगे। आपको तेल को इस वक्त अच्छा गर्म करना होता है क्योंकि हम इन्हें ठंडा ही रहती है, फ्रीज़र में रहती तो काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए गर्म तेल में जाती ये अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाती है। अगर आप ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे तेल को तो इसके ठंडक से तेल भी ठंडा हो जाएगा और ये तेल को पी लेंगी, इसलिए तेल को एक बार अच्छी तरह से गर्म करें उसके बाद ही इन्हें तलें। आप देख सकते हैं हमने इन सभी फ्राइज को तल लिया है और एक एक बैच को तलने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगता है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी है।
अब हम यहाँ पर तीन फ्लेवर की फ्राइज तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिक फ्लेवर डालेंगे यानी कि सिर्फ काली मिर्च का पाउडर, और इन्हें टॉस कर लेंगे। दूसरा वाला हम पेरी पेरी मसाले से तैयार करेंगे। आधा चम्मच पेरी पेरी मसाला डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इसे भी टॉस कर लेंगे। तीसरा वाला हम चीज़ के साथ तैयार करेंगे, इसलिए इसमें हम मिक्स अप डाल रहे हैं, और इसे भी टॉस कर लेंगे। अगर आपके पास ये कोई मसाले ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डालकर इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ जो हमने मिक्स अप वाला तैयार किया था उसमें, क्योंकि बच्चों को चीज़ काफ़ी पसंद होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डालने से फ्लेवर और एक्स्ट्रा हो जाता है। इस तरीके से हम इन्हें डाल देंगे। दोस्तों आप इस तरह से इन्हें बना सकते हैं, स्टोर करके रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, 4 से 6 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे सभी फ्लेवर तैयार हैं, आप भी इन्हें बनाएं, अपने परिवार के साथ इनका आनंद लें, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।